प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में थे। उन्होंने अयोध्या को 15 करोड़ से ज्यादा रुपए की सौगातें दी और इस दौरान उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और बहिर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके पहले उन्होंने अयोध्या में एक रोड शो भी किया जहां अयोध्या की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। लेकिन इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच रास्ते में रुके, उन्होंने अपना काफिला रोका और एक ऐसे जगह पर उतर कर गए जो कार्यक्रम उनके प्रोटोकॉल वाली लिस्ट में शामिल ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या की गलियों से गुजर रहे थे तो उनकी नजर लता मंगेशकर चौक पर पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही अपना काफिला रोक दिया। आपको बता दें कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के बाद वापस एयरपोर्ट लौटते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर चौक पर रुक गए। आपको बता दें कि लता मंगेशकर के जन्म दिवस 28 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में तब मौजूद थे। यहां पर 14 टन वजनी और 40 फीट लंबी एक वीणा लगाई गई है। शनिवार को यह वीणा के पास पहली बार पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने वीणा को निहार कर यहाँ की अलौकिक छवि का दीदार किया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी विस्तृत जानकारी भी ली। दोनों आपस में बात करते हुए नजर आए। उधर अयोध्या के समूचे जनमानस का यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी को यहां देख जनता भी अभिभूत हो गई। इस इलाके में आसपास काफी तादाद में भीड़ मौजूद थी और अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऐसे उतरे तो सुरक्षा कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए। सुरक्षा कर्मी जो है वो चौकस और चौकन्ने दिखे, क्योंकि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और अयोध्या के कार्यक्रम के तहत अगर वो कहीं बीच में रुकते हैं तो सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाने के लिए जरा भी हिचकते नहीं है। वो सुरक्षा की परवाह किए बगैर जनता के बीच में यूं ही चले जाते हैं। इस बार भी जब अयोध्या में जब उतरे और वो लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मी चौकन्ने नजर आए। इधर उधर देखते हुए वो सुरक्षा में लगे रहे। हालांकि पीएम मोदी यहां कुछ देर रुके, योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने वार्तालाप किया और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर निकल गए। लेकिन ये जो पल है वो अयोध्या की जनता ने देखा और उन्होंने ये देखा कि उनका प्रधानमंत्री कितना सहज है कि वो कहीं पर भी जाकर जो उन्हें दिखता है वहाँ बरबस रुक कर रुकते हैं और उसका दीदार करते हैं। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, भगवे कलर की ट्रेन को जब हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया तो वहां पर भी जय श्री राम के नारे लगे। उधर पहली फ्लाइट जो अयोध्या से रवाना हुई उस फ्लाइट में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उद्घोषक ने जय श्री राम का नारा लगाया और ये सारा जो है आज अयोध्या में देखने को मिला। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।